नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। दक्षिणी चीन सागर ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस का हिस्सा है, परंतु ये देश चीन के मुकाबले काफी छोटे देश है। ये देश मिलकर भी चीन का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए चीन ने दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा कर रखा है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद काफी बढ़ गया है। चीन ने अमेरिका को दक्षिणी सागर में किसी भी गतिविधियों को न करने की धमकी दे दी है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन ने कब्जा क्यों किया है, इसके पीछे भी चीन की गहरी साजिश है। दक्षिणी चीन सागर किसी खजाने से कम नहीं है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक खनिजों के भंडार है। दक्षिणी सागर में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। दक्षिणी चीन सागर में 190 ट्रिलियन गैस के भंडार है। दक्षिणी चीन सागर पूरी दुनिया के लिए व्यापार का भी काम करता है, यहाँ से प्रति वर्ष $3.37 ट्रिलियन का व्यापार होता है। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने पहले ही एक ऐसा मिलिट्री बेस बना कर रखा है जिसका सामना सुपर पावर अमेरिका भी नहीं कर सकता। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने हथियारों, फाइटर जेट, परमाणु बॉम्बर और खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर रखा है। अब चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। चीन ने जिन परमाणु अटैक सबमरीन को तैनात किया है, उन्हें चीन ने अपनी JL-3 ICBM मिसाइल से लैस किया है। चीन की यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक है, यह मिसाइल अपने साथ 10 वार हेड लेकर जा सकती है। चीन की यह मिसाइल जापान पर गिराए गए परमाणु बम से 200 अधिक तबाही मचा सकती है। चीन की यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति से हमला करती है। यह मिसाइल 10,000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी देश को तबाह कर सकती है। वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर विवाद जारी है। अमेरिका खुलकर ताइवान की सैन्य व आर्थिक मदद कर रहा है। अमेरिका चीन को डराने के लिए दक्षिणी चीन सागर में मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। इस कारण अगर अमेरिका और चीन के बीच विवाद और बढ़कर युद्ध का रूप ले लेता है, तो चीन इन मिसाइल से अमेरिका को तबाह कर सकता है और अमेरिका चीन के इस हमले से नहीं बच सकेगा, क्योंकि चीन ने जिन पनडुब्बी पर इन मिसाइलों को तैनात किया है, यह चीन की अब तक की सबसे एडवांस और खतरनाक पनडुब्बी बताई जा रही है। चीन की यह पनडुब्बी बेहद ही साइलेंट है, जिनका पता अमेरिका नहीं लगा सकता। चीन की इन मिसाइलों से अमेरिका के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी खतरा है। चीन की JL-3 मिसाइल भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के किसी भी शहर को आसानी से निशाना बना सकती है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के इस सैन्य बेस से भारत को भी खतरा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद अब भी जारी है। हालांकि चीन की इस मिसाइल की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि चीन ने इस मिसाइल का टेस्ट किया है या नहीं। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।